क्या हुआ है अबू? फुल ठंडा हो रहा है। अब कैसे उठाएंगे? अभी जो है ना, हम हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब हैं। ये आ गए जी हॉस्पिटल। इसे जो है ना ज़्यादा सुकून की ज़रूरत है, तो अभी सुकून का इंजेक्शन लगाया है जी। ये जो है ना नया ड्रामा चल चुका है, ये हो कुछ जो है ना वो खुदा का खौफ किया करें। ये जिस इंसान पे बीमारी आती है उसको पता होता है, या उसके फैमिली को पता होता है, और उन लोगों को पता होता है जिनके दिल में एहसास होता है, इंसानियत होती है, उनको पता होता है कि तबीयत जो है ना वो कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप सबकी दुआएं हैं माशाल्लाह से जी। अभी टाइम है नाश्ता करने का, पेट के अंदर कुछ डाल लेगा, क्योंकि खाली पेट जो है ना वो इंसान का किसी भी चीज़ पे दिल नहीं करता। मेरा तो खैर दिल करता है। आज पता नहीं सबा को क्या हो गया कि इतनी जल्दी जो है ना उसने नाश्ता लगा दिया, तो मुझे तो खैर थोड़ा बहुत रूह देगा, बाकी सब इंशाल्लाह पेट भर के खाएंगे। और अम्मी जान ने खाना स्टार्ट भी कर दिया है, हाथों से जो है ना वो खाना खा रही है। हाथों से कैसे खाऊं? हाथों से ना खाऊं तो। और मुझे लगता है हाथों से खाना उठा के ना मुंह में डालेगी वो देखे। ऐसे कैसे खा रही हो अम्मी जान? तो पैरों से खाता है, बोला केरे डालता है। मैं पैरों से खाता हूँ फिर किधर डालता हूँ, ये आप बताओ ना। तू तो बता, हाथों से खाते हैं मुंह में, हाथों से खाते हैं मुंह में देते हैं। तो खाना इन्हें खमेंदा है ना? अच्छा। इन्हें खमेंदा। हाँ, सही है। चलें जी, अम्मी जान जैसे खाती है हम भी फिर आज से वैसे शुरू करते हैं, हम भी वैसे खाएंगे। तो सब आपने देख लिया अम्मी ने जैसे खाया, हाँ तो आपने भी ऐसे ही खाना है। हाँ, तो हम डेली ऐसे खाते हैं। रुखी रुखी खा दादी, मैं नहीं खा रही, वो प्याजों के साथ खा रही है, मैं भी प्याजों के साथ खा रहा हूँ, बाकी चिकन के साथ जिसका दिल करे खाए। हम तो भाई नाश्ते के अंदर जो है ना वो चिकन नहीं खा रहे, क्योंकि नाश्ते के अंदर जो भी खाता है ना वो चिकन अंदर जाके जिंदा हो जाती है। बेबो आपने कभी मुर्गी खाई है? ये मुर्गी खाते हो ना? नहीं, नहीं खाते। क्यों? अंदर जाके जिंदा हो जाती है, अंदर जाके वो जींदी हो जाती है। नहीं। लस्सी पा 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 गिला सच पा ते मेकू दे, प्याज भी दे, रोटी भी दे, मक्खी हुई मक्खन वाली। जिसने करना है नाश्ता वो मारे गाड़ी को सलाह, आ जाए हमारे पास नाश्ता करने के लिए। अभी मेरी घड़ी के मुताबिक टाइम हो रहा है 11:20। जब से मैंने हाथ में घड़ी पहनी है ना, अब मैं बार बार ना टाइम देखता रहता हूँ, अब पता भी चलता है टाइम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब जबकि मोबाइलों पे भी टाइम होता है, पर मोबाइलों पे काम काज इतना होता है कि टाइम भी नहीं देख सकते। तो अब मैं जब भी टाइम देखता हूँ ना, घड़ी पे टाइम देखता हूँ। इस पे एक तो अच्छा टाइम होता है, दूसरे नंबर पे इंसान के हाथ में सोनी भी लगती है, प्यारी भी लगती है। हाँ जी अम्मी जान, आखिरी हाथ में निवाला है। हाँ, हाथ में निवाला है। खा लिया खाना? हाँ जी खा लिया। देखो मैंने बोला था ना सबा आपको कि मैं जो है ना सिर्फ एक रोटी ही खाऊंगा, आधी एक रोटी वही खाई है मैंने। इवे ना दो रोटियां दी थी आपको, तो दो रोटियां दी थी तो मैंने बचा के दे दी है ना, तो बस वही एक रोटी हो गई अम्मी जान। सब हाँ बोल दो, हाँ बोल दो सब। हाँ जी बाबा, जैन और आपने चार रोटियां खाई हैं, हिम्मत किया। आधी आपने, 3.5 जैन ने खाई है। हाँ सही कहा। आज पता नहीं क्या है, आज तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, जबकि मुझे बहुत अच्छी भूख लगती थी। सुबह नाश्ता मैं इतनी करता था ना कि रोटी कम पड़ जाती थी, लेकिन बस पता नहीं ना जाने किसकी नजर लग गई। नहीं तो खाना खाता हो ना, लेट खाता हूँ तो आज टाइम से खा लिया। 2 बजे, 1.5 बजे, 2:30 बजे, 11 बजे।
ਕਿੱਥੋਂ ਰੋੜੇ ਨਾ ਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਕ। ਚਲੋ ਬਰਤਨ ਉਠਾਓ ਸਭਾ, ਬਾਜੀ ਆ ਗਈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧੋ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਉਹ ਸਵੇਰ ਕਹਿੰਗੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸੇ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਆ ਜਾਣਾ ਟਾਈਮ ਸੇ। ਅਭੀ ਕਹਿ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਸੇ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲਗਾਉਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡੇ ਟਾਈਮ ਜਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖੈਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੜਤੀ ਹੋ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਤੀ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਵੜਤੀ ਹੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਤੀ ਹੋ। ਖੈਰੀਅਤ ਤੋਂ ਆਜ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੜ ਰਹੀ ਹੋ। ਕੰਮ ਥਾ ਚਲੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਸਹੀ, ਕਿਉਂ? ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਦੇਖੋ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਮਰੇ ਮੇ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿ ਬੈਂਕਲ ਮੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪੜੇ ਆ ਜਾਤੇ ਹੋ। ਆ ਜਾ, ਚਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਮਹੀਉਦੀਨ ਭਾਈ ਕੇ ਘਰ ਕੀ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਸਫੈਦ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ VIP। ਔਰ ਬੱਦਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਵੋ ਉੱਪਰ ਕੀ ਤਰਫ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਆ ਜਾ, ਕਹਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੂੰ, ਕਿਆ ਧੂਪ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਰ ਪੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਹੂੰ, ਨੰਗੇ ਕੋ ਧੂਪ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਏ ਨਾ, ਜਿਸਕਾ ਸਰ ਨੰਗਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਧੂਪ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਏ ਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਕੋ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਏ ਜਿਸਨੇ ਦੁਪੱਟਾ ਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਵੋ ਹਮਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿਆ ਥਾ, ਤੋ ਆਜ ਆ ਕੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੀ ਤੋ ਵੈਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਭੋ। ਯੇ ਕਿਆ ਸਭਾ ਕੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਕੌਣ ਸੀ? ਯੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਵੀ ਆਜ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯੇ ਵਾਲੀ? ਸਹੀ, ਯੇ ਵਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਥੀ ਯੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਜ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਸਾਈਡੋਂ ਪੇ ਵੀ ਹੈ। ਹਫਤੇ ਡੇਢ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੈਟ, ਨਿਊ ਨਿਊ ਹੈ ਨਾ। ਹੂੰ, ਨਿਊ ਨਿਊ ਦੇਖੋ, ਵੋ ਵੀ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਯੇ ਵੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਪੌਦੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਆਪਣੇ? ਹਾਂ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਯੇ ਜੋ ਨਿਊ ਲਗੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਯੇ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਖ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਯੇ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਯੇ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਔਰ ਯੇ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਯੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਆ, ਆਮ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਖੜੇ ਹੈ ਸਭੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂਗੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂਗੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਹੂੰ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਾਰ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਲਰ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਲਰ ਅਭੀ ਥੋੜੀ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ, ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਅਭੀ ਦੇਰ ਹੈ ਇਸਕੋ। ਯਾਰ ਅਬ ਮੱਢ ਉਸਕੀ ਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੋ ਕਬ ਕਰੇ, ਆਜ ਰਾਤ ਕੋ ਕਰ ਲੇ, ਰਾਤ ਕੇ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, 8 ਵਜੇ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੈਸੇ ਰਾਤ ਕੇ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੰਖਾ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਵੋ ਲਾਈਟ ਵੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੋ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਬਹਾ ਜਬ ਉੱਠੇ ਨਾ ਤੋ ਦੇਖੇ, ਹਾਂ ਤੋ ਮੈਂ ਮਿਲੂੰਗਾ ਸਾਥ ਨਾ, ਰਾਤ ਕੋ ਮੈਂ ਫਰੀ ਹੋ ਤੋ ਮੈਨੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਕਾਮ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਵੋ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਖੋਲੀ ਮੈਨੇ ਥੀ ਨਾ, ਅਬ ਹੱਕ ਬਣਤਾ ਕਿ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਓ ਨਾ, ਅਬ ਸਾਰੇ ਕਾਮ ਏਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੋ ਫਿਰ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਦੂਸਰੀ ਬੰਦੀ ਕਾ। ਮੈਨੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਕੁੰਡੀ ਲਗਾਉਣ ਕੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਲਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕੀ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਓ। ਕਿਸ ਕੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਓ? ਇਹ ਰੇਤ ਉਠਵਾਓ। ਇਹ ਉਠਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਹਾਂ ਪੇ ਨਾ ਖਿੰਡਾਨੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਡੇਲੀ ਮਾਰੇਂਗੇ ਨਾ ਤੋ ਇਹ ਨਾ ਵਿਕ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ ਇਸਕਾ। ਕਿਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋ ਬਹਿਨ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਕਿਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਰਫ? ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੂੰ ਆਪਕੀ ਸ਼ਕਲ ਪੀਲੀ ਪੀਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨ ਔਰ ਯੇ ਰੈੱਡ ਰੈੱਡ ਹੈ। ਕਾਨ ਲਾਲ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਗਰਦਨ ਲਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾ ਨਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ।
लेकिन आज मजे की बात बताऊं, काफी आप लोग कमेंट्स भी करके मेरी बेइज्जती भी जरूर करते हो, ऐसा ना क्या करो। इसने भी आज वही बेइज्जती कर दी जो आप करते हैं, आप भी यही कहते हैं, सही मुंह पे लगाते हो थोड़ी कान और गर्दन पे, हाथों पे, पैरों पे भी लगा लिया करो ताकि पूरे तो चिट्टे लगो ना। तो जी क्या करें, अब इतनी करीम भी नहीं होती कि गर्दन पे भी लगाएं, कानों पे लगाएं, हाथों पे, पैरों पे, इतना तो फिर ज्यादा खर्चा हो जाता मेरे है। लिए भी आए हुए थे, आए सबा के हाथ जो है ना ब्लैकिंग है, ये ब्लैक है मेरे हाथ क्या? नहीं हस्बैंड को बिल्कुल साफ सुथरे सफेद गोरे लग रहे हैं, चिट्टे तो हैं। हाँ चिट्टे हैं बिल्कुल, हाथ वो हाथों पे भी आप वो दूसरी बनाई थी जो एक दफा लगाई थी, पता नहीं थोड़ी सी बनाई थी, खत्म हो गई है, फिर नहीं बनाई। वो हाथों पैरों वाली भी एक बना लो ना, ज्यादा बना लो, फिर वो लगाया करेंगे। चलो बहन भाई ये कहेंगे कि आप माशाल्लाह मुकम्मल चिट्टे हो। ट्यूब जो है ना वो थोड़ी कम थी, अच्छा फिर वो ये मुंह वाली खत्म हो जाए, फिर एक साथ जो लेने जाएंगे ना, फिर हाथों पैरों के लिए भी लेते आएंगे, उनके लिए भी लेते आएंगे। चलो फिर घर चले, घर जुलो, शाबाश। ठंडी हवा लग रही थी यहाँ पे, कमरे से भी ज्यादा ठंडी। मैयादीन भाई का घर तो देखें यार, सबको दिखाएं कितनी सफेद हो गया है। क्योंकि इस माशाल्लाह से दरवाजों का जो पेंट करवाया है वो भी जबरदस्त करवाया है, उसके बाद जो है ना फिर सेटिंग वगैरह जो है ना वो की है, कलर वगैरह करवाया है सारा। ये देखें ये दरवाजे का कलर करवाया है जी, पहले जो है ना इसका रेड हुआ करता था, अब जो है ना ये कूलर पंखा इधर आया हुआ है, रात को यही लगाते हैं। अच्छा शॉर्ट हो गया मतलब करंट देता है। अच्छा चलो आप धूप पे खड़ा है, करंट छोड़ जाएगा। ये है मेहंदी, ये वाली ये सही हो जाती है। हाँ देसी मेहंदी है, इतनी खुशबू होती है इसकी। अच्छा जी ये देखें सारा जो है ना वो घर पेंट करवाया, खाने वाली पाव भी है। ये देख सकते हैं ये वॉशरूम का भी दरवाज़ा पेंट है, और ये दीवारें भी पेंट हैं, और ये कमरा भी पेंट है। इधर कोई नहीं है? नहीं भाई अलीपुर चले गए हैं। अलीपुर खैरियत? कैसे काम है? मैंने कहा क्या काम है, कहते मेरे भले का काम है, पता नहीं बताया नहीं है। अच्छा तो ये रूम भी देख ले, वीआईपी हो गया मेरे ख्याल में। ये पंखा चला हुआ है रूम सुखाने के लिए, कलर अभी इधर सामान वगैरह नहीं रखा ना, सामान तो उसको। इधर अब्बू जान सो रहे हैं, पंखा छत वाला चल रहा है ना, रात को यही चलाते हैं। अब्बू जान जो है ना इधर क्यों सोते हैं, वो कहते हैं ये जो इनका फर्श है ना वो है कच्चा, ठीक है, तो कच्चे फर्श के ऊपर जब रात को लगाते हैं पानी तो फिर जब बंदा सोता है तो उसको सुकून की नींद आती है, इसलिए वो कहता है मैं उधर जो है ना इसलिए नहीं सोता। तो रात के टाइम, दिन के टाइम जो है ना, क्योंकि अब्बू ने कहा है कि मैं कभी भी ज़िंदगी भर एसी के अंदर मैंने नहीं बैठना, जो मर्ज़ी कोशिश कर लो एसी में नहीं बैठूंगा। तो एसी के अलावा फिर हमारे घर में जहाँ भी देखें तो गर्मी ही होती है, तो इस वजह से जो है ना अब हमने कूलर पंखा भी उनको दे दिया कि चल शाम को जब सोते हैं ना तो ये कूलर पंखा लगा लिया करें। चलो अंदर, ना बंद किया कर, मैं आमदा नहीं पिया हूं, वड्डी तेरी आदत डली हुई है, तेरी आदत काट सटा या डली हुई है? कुछ हो के आदत अच्छी है। कौन सी, दरवाजा बंद करने वाली? नहीं कोई आ रहा हो तब नहीं बंद करना चाहिए, वो क्या समझेंगे कि हमारे लिए इसने बंद कर दिया है। प्यारी बेगम उनको पता है कि दरवाजा बंद रखना चाहिए। हाँ अगर दरवाजा खुला रहेगा कुत्ते वगैरह ये सब भी आएंगे फिर घर, इसीलिए जो है दरवाजा बंद कर दिया। सही हो गया। सफाई बेबू कहाँ पे चढ़ गए हो? अलमारी पे। कैसा लग रहा है? डर नहीं लग रहा? नहीं। उई, आज ना मेरे पापा की बात मानोगे? हाँ पापा की बात मानोगे ना? मानोगे ना? सही सी बताओ, ये तो मजाक कर रहे हो ना, सही सी बताओ मानोगे ना? हैं मानोगे?
हाँ आख बोलो जी, कैसे बोलो जी, आख जी मानूंगा बाबा, चलो बताओ। तो आज ना आपने नहाना है और सर में जो है ना वो शैम्पू लगाना है, मुंह पे साबुन लगाना है, उसके बाद ये वाले कपड़े उतार देने हैं और सोना सूट शॉपिंग वाला पहनना है, ठीक है? शादी पे जाना? नहीं, ऐसे शादी पे जाओगे तो तैयारी करोगे, ऐसे नहीं करोगे। हाँ। ऐसे तैयारी कर लो, सोने बन जाओगे, ठीक है? नहीं, मैं यही कपड़े, यही कपड़े गंदे। हाँ। सब कहेंगे बेबो तो गंदा, इसकी तो बो आ रही है सारी पसीने की। फिर उधर ना आलोगे? अच्छा सबा, वो अबू तेरे की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब हो गई है, जल्दी से आ जाओ। अभी अभी लड़के ने बताया, जल्दी से आ जाओ, आपके भाई ने बताया। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, जल्दी से निकलो, उसको लेके चलना है। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ गाड़ी में, बैठ जाओ, मैं यहाँ से निकालता हूँ, आप बैठ जाओ, फिर दोबारा नहीं। जल्दी से जो है ना वो गाड़ी बाहर निकालते हैं, बहुत ज्यादा तबीयत जो है ना वो खराब हो गई है। या अल्लाह खैर, पता नहीं क्या यार हो रहा है, ये सब कोई समझ नहीं लग रही, बहुत ज्यादा परेशानी है। या अल्लाह, बेबो आ जाओ बेटा, बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, आ जाओ, जल्दी करो जल्दी, दरवाजा बंद कर दो यार, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, बाहर खड़ा हुआ था। चलो बैठ जाओ, ख्याल से बेटा, फिर आप ना नाने नाने अबू के घर ना उतर जाना, ठीक है? क्योंकि उसकी हम दवाई लेने जाएंगे हॉस्पिटल। हाँ तेरी अम्मी भी, ठीक है बेटा, हम जल्दी आ जाएंगे, पैसे दे दूंगा आपको, ठीक है? हाँ जब धूप नहीं होगी उस टाइम ले लेना, ठीक है? अपने भैया का भी ख्याल रखना, ठीक है? अभी जो है ना हम पहुंच चुके हैं गाड़ी लेके, यहाँ छाँव में खड़ी कर देते हैं, सही है? यहाँ पे खड़ी कर देते हैं, चलो निकलो, गाड़ी स्टार्ट खड़ी रहे, या बल्कि बंद कर देते हैं फिर स्टार्ट कर लेंगे। आ जाओ बेटा, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, शाबाश। बेटा नहा लेना है आपने, बुलवाओ, क्या हो गया, पंखा भी नहीं चल। अब कैसे उठाएंगे, पकड़ के ना, सारे पकड़ के ना, फिर उठा के लेके चलते हैं गाड़ी में। रैन पकड़वाओ, उधर से पकड़वा के ना उठवाओ, बाहर गर्म है ना जमीन। तो जी अभी जो है ना हम घर से रवाना हो चुके हैं और फौरी जो कि हमारे साथ में हॉस्पिटल है
फिलहाल उधर लेके चलते हैं ताकि इतनी दूर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ हॉस्पिटल यहाँ पे भी तो डॉक्टर है ना, फौरी यहाँ पे देख लेंगे कि आखिर मसला क्या हो गया। अभी अभी ना पता नहीं सर्दी लग गई है क्या इतनी गर्मी में, फुल ठंडे हो गए, फुल पंखा भी असली बंद था। हाँ। तो बहुत ज्यादा आया हुआ है ना। अभी जो है ना हम हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब हैं, ये जो है ना सामने हॉस्पिटल आ गई है। ये आ गई जी हॉस्पिटल। यहाँ पे गाड़ी खड़ के ना फिर निकालते हैं। तो जी अभी जो है ना हम हॉस्पिटल से वापसी जा रहे हैं। अभी जो तबीयत है वो आपके सामने है और इंजेक्शन जो है ना उन्होंने लगा दिया है सुकून वाला, कि इसे जो है ना ज़्यादा सुकून की ज़रूरत है। तो अभी सुकून का इंजेक्शन लगाया है तो उन्होंने कहा कि अभी जो है ना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आधे पौने घंटे तक जो है ना ये उठेंगे, खुद जो है ना पानी वगैरह भी मांगेंगे, खुद जो है ना वो बातचीत भी करेंगे। तो आपने उसको ये भी नहीं बताना कि आप इतनी ज़्यादा बीमार हो गए थे, आपको हॉस्पिटल लेके गए थे, या आप मतलब बेहोश हुए थे, आप ऐसे ऐसे कर रहे थे मतलब। तो उसने कहा ये भी आपने चीज़ें जो है ना वो कुछ भी नहीं बतानी, बस ये आधे पौने घंटे तक होश में आएगा तो आपने जो है ना इसे बस जो चीज़ मांगे आपने वो दे देनी है और इसे कुछ भी नहीं बताना, ठीक है सबा? ये ना हो फिर बता दें आप, वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपने कुछ भी नहीं बताना इसको ना। हाँ तो क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी ना जैसे ये कर रहे थे तो सारी मैंने उसको वीडियो भी दिखाई, मैंने कहा इस तरह से ना इसकी हालत हो गई है। तो अभी जो है ना बिल्कुल सुकून में है। और कुछ लोग कहते हैं जी ये जो है ना नया ड्रामा चल चुका है, ये हो कुछ जो है ना वो खुदा का खौफ किया करे। ये जिस इंसान पे बीमारी आती है उसको पता होता है या उसके फैमिली को पता होता है, और उन लोगों को पता होता है जिनके दिल में एहसास होता है, इंसानियत होती है, उनको पता होता है कि तबीयत जो है ना वो कैसी है। ऐसे जो है ना जिनके दिल पे गुजर रही होती है उनको पता होता है कि भाई यार कितनी परेशानी बनी हुई है। आप अगर किसी को तसल्ली नहीं दे सकते, अगर आप किसी को इंसानियत के नाते उसकी कुछ कर नहीं सकते, तो किसी को ऐसे भी ना कहा करें ताकि उसका दिल जो है ना वो ना टूट जाए। ये भी चीज़ को देखा करें आप लाजमी, किसी को अगर आप खुशी नहीं दे सकते ना तो उसको दुख भी मत दिया करें, ये बोलता हूँ मैं। हाँ जी, बाकी हर चीज़ आपके सामने है, हर हकीकत, इसकी रिपोर्ट्स आपके सामने है, इसकी दवाइयाँ आपके सामने हैं। यार ऐसे कौन शख्स यार पागल होगा जो कहते हैं ना ड्रामा है, मैं उसको सारी दवाइयाँ देता हूँ, वो तीन टाइम दवाइयाँ खाए, चार टाइम दवाइयाँ खाए, जितनी दवाइयाँ आ रही हैं वो टाइम पे ले, और इस तरह की रिपोर्ट सारी चीज़ें वो करे, फिर मैं उसको मान जाऊँगा कि हाँ भी तो वाकई जो है ना वो सच कह रहा है। ऐसे नहीं करना चाहिए इंसान को, हर किसी को देखना चाहिए, तबीयत को देखना चाहिए। बस यार अल्लाह पाक जो है ना ऐसे लोगों को हिदायत दे, और जो कि मतलब किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, मुनाफ़त करते हैं, दिल में जो है ना वो जलन रखते हैं किसी दूसरे के लिए। मैं एक चीज़ बता दूं कि वो लोग कभी कामयाब भी नहीं होते जो दूसरों के लिए जलते हैं और मुनाफ़त रखते हैं। तो किसी के सच को झूठ में तब्दील करने के लिए जो है वो कोशिश करते हैं, वो लोग जो है ना बिल्कुल ही मुनाफिक हैं, वो अच्छे लोग नहीं होते। तो अगर आप आज हमारे बहन भाई पहचान नहीं करेंगे इन मुनाफ़ों की, तो फिर जो है ना आपको हर चीज़ जो है ना वो झूठ लगेगी, कभी नहीं पहचान पाएंगे। हाँ तो अभी जो है ना हम वापसी दोबारा जो है ना वो घर पहुंच चुके हैं।
तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना हमने आधा पौड़ा घंटा इंतजार किया, लेकिन आधे पौड़े घंटे के ऊपर हो गया था। एक घंटे के बाद जो है ना अभी पानी मांग रहा है, और हमने कहा कि फौरी जो है ना वो पानी लेके आओ, तो अभी पानी लेके आ चुके हैं। उठे पानी आ गए, पानी पीने उठा लो, पानी पी लो। गर्मी है, धूप कह नहीं चाहे, पखा यार कूलर पखा चला हूं। वो पता कह नहीं ना कि तबीयत खराब थी कि फुल चला रहे, फुल स्पीड है, चला दो इधर हाई पे। हाँ हाँ आंदी पी हवा हूं, पासु कह नहीं पखा इस तरफ से चल रहा है ना, बाल लग गए सी हवा तू ई थीपो ना ई पासे ते थीपो, पासे ते करो। चलो असल में जो टांग का मसला था ना, वो टांग का मसला तो अब एक तरफ हो गया, मतलब अब कोई और जो है ना इसको मसला हो गया है, तो या दिमाग का मसला भी हो सकता है या कोई और मसला हो सकता है जिसकी वजह से बेहोश हो रहे हैं। इधर जो कहता है हाँ मानता है, और गर्मी लग रही है, पसीनों पसीने इसके कपड़े हैं, पूरा जिस्म एक पसीना और ऊपर से फुल ज़्यादा ठंडा है। तो आप जो है ना इसका अब वही कराएंगे, MRI भी करवाते हैं और CT scan भी करवाते हैं। CT scan तो अब लाजमी करवाना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग का भी वो लग रहा है ना, इशू लग रहा है। MRI भी करवाते हैं और CT scan भी करवाना पड़ेगा, दोनों चीज़ें करवानी पड़ेंगी, फिर जाके जो है ना वो पता लगेगा। चलें अभी पानी पी लिया सुकून करने दें। हैं अस्पताल उन्हें अस्पताल उठी आई हूँ, बस सुकून कर हूँ, ठीक ही कुछ कह नहीं, अस्पताल उठी आई हूँ। पानी ब्या पीनी, ब्या पानी होवे बस, चलो सुकून सुता पे रहा, कुछ कह नहीं, अल्लाह खैर करे, सुता पे रहा। तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक घंटा और इंतज़ार करने के बाद अब जो है ना काफ़ी उसको होश भी आ गया, और माशाल्लाह से बातचीत भी कर रहा था। वो यार फट गई है वो ईंटू में, दिखाओ कहाँ फटी है ये, इधर वो जब लेके जा रहे थे ना इधर लगी है ईंटों पे, न्यू कमीज इसने अपनी फटा दी है, यहाँ पे भी वो इधर ना ईंटों पे लगी है, ईंटों में अड़ी है, तो वो ऐसे लगा ये मेरे ख्याल में फंसी है ये वाले, यहाँ बोर हो जाएगा, बोर पता नहीं अब क्या होता है। वो ऐसे धागे से ना, जैसे इतना ये कलर है, इस तरह धागे का कलर होगा, वो ऐसे टिकड़ा बना देंगे, पता भी नहीं चलेगा। वो टिकड़ा नजर तो आता है ना, नजर वो नजर आएगा। हाँ चल जी, हाँ अच्छा अलीपुर चले गए थे। अभी जो है हम वापसी अपने घर पहुंच चुके हैं, चलो अंदर आ जाओ जल्दी जल्दी, पानी मेरे वास्ते भरी अभी, मैं खुद बहुत रह लगी है, बैठा के पिलाया करो पानी। अस्सलाम वालेकुम, हसन भी उठ के रोया है क्या? हाँ, रोया है। हमें इसका डर था, हमने कहा उधर काफी देर हो गई हॉस्पिटल में भी और इधर भी, और नहीं नहीं आ गया, आ वो आ गई अम्मी तेरी आ गई है, वो देखो वो अम्मी आ गई है, वो देखो कैमरे में देखो, वो आ गई, ओ आ गई, ओ आ गई, कहता है काफी देर से रो रहा है ये, मैंने कहा हम तो उधर चले गए थे ना। अच्छा हमें काफी देर हो गई ना, चलो पानी आ गया, बहुत ज्यादा पसीना आ गया।
चाहिए? हाँ एक गिलास और दे दो। नहीं वो एसी था कार में, इधर साथ वाले हॉस्पिटल में लेके गए थे तो उधर तक तो गाड़ी गर्म थी, वो ठंडी हुई नहीं। दूसरा वो फिर उसको उठाना और सुलाना और बिठाना लेके जाना, वो बेहोश था बिल्कुल, कोई हालत नहीं थी। तो वही ना कपड़े मेरे पीछे फट भी गए, पीछे देखो ये कपड़े फट गए, मेरा न्यू सूट था ये। वो अड़ा है, ईंटू में लगा है, ईंटू में लगा हूँ ना पीछे तो वही फटा गया कपड़ा। हसन अब देखो बच्चों को ना तसल्ली हो जाती है कि मेरी माँ आ गई है। अब देख चुप करके खेल रहे, अब कोई ना बात है ना चीज है, सिर्फ वो देखते हैं आंखों के सामने रहे बस। बाप सही। मुझे ना अब एक चीज याद आ रही है कि यार जब इस तरह मतलब छोटे बच्चे होते हैं अम्मी जान और उनकी माएँ फौत हो जाती हैं, ठीक है, तो जैसे मतलब ये बेबो जानी है, हसन जानी है, इस तरह के बच्चे होते हैं उम्र के, उनकी माँ फौत हो जाती है, फिर वो कैसे रहते होंगे? कैसे रहता है, महीना दो महीने तो रोते रहते होंगे ना, उसके बाद फिर नहीं देर मौसम रोते रहे, साल दो साल, दो साल फिर बच्चे उस टाइम चुप कर जाते हैं जब उनको फुल प्यार और मोहब्बत दी जाती है। मतलब अगर उनकी और माँ जो है ना वो आए और उनको अपना बच्चे समझकर जो है ना वो पाले और उसको वैसा प्यार दे जैसे माँ दे सकती है, फिर जाके बच्चों का कुछ दिल जो है ना वो होता है और वो चुप करते हैं। वरना जब माएँ फौत हो जाती हैं तो एक तो बच्चों को वो दुख होता है, ऊपर से जो है ना फिर लोग उनको प्यार मोहब्बत भी नहीं देते, बच्चों को मारते हैं, बच्चों को देते कुछ नहीं है, तो वो ये चीज़ सोच सोच के बच्चे रोते हैं कि देखो अब हमारी माँ तो है नहीं या हमारा किसी का बाप नहीं होता, बाप तो है नहीं, तो फिर जो है ना ये जो है ना हमें मज़ीद, आज वो ज़िंदा होते तो हमें बचा लेते, ये लोग हमें मारते हैं, ये बच्चे हमें मारते हैं, कितनी बड़ा दुख होता है। दुख होता है, वाला उनको प्यास लगता है, वाला टाइम से पानी ना मिलता है, भूख लगती है, रोटी ना मिलते है उनको, फिर जो देखते हैं दिन वो कहा वो अंधे पन, पानी मंगसन, रोटी मंगसन, ताड़ खड़सन, अच्छा वो भी चाह कंधे पे, वो भी चाह कंधे पे, ताड़ खड़सन, बोला पीछे गाली भी बातें नहीं सुनाते हैं तो बच्चों को प्यार भी नहीं देते। हाँ जी, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बच्चों को प्यार मोहब्बत देनी चाहिए, जिनके माँ नहीं है, जिनका बाप नहीं है, तो मोहब्बत प्यार देनी चाहिए। अल्लाह पाक बाकी जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं अल्लाह पाक उनको हयात रखे, हमेशा सलामत रखे। तो इंशाल्लाह ताला जी अभी जो है ना हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें कि अल्लाह पाक हमें भी खुश रखे, तमाम बीमारियों से जो है ना शिफाए कामला आजला नसीब अता फरमाए, और आप सबको भी जो है ना हमेशा सलामत रखे, कोई दुख परेशानी जो है ना वो आप देखने वालों के ऊपर भी कभी ना आए, हमेशा ऐसे हैप्पी रहें और हमारे व्लॉग जो है ना वो इंजॉय करते रहें। और सबा के अबू के लिए भी आपने बहुत सारी खसूसी दुआएं करनी है कि वो जल्दी जो है ना सेहत याब हो जाए। अभी अभी ना इसने शलवार गंदी की है और सबा ने जो है ना शलवार चेंज करवा दी है हसन जानी की, अब मैं बता रहा हूँ ना तो वो अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा है, बेइज्जती महसूस कर रहा है कि ये क्यों बता रहा है। अच्छा नहीं बताता जी, इसने कोई पिशी मिशी नहीं की जी, इसने कुछ नहीं किया, ये बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, प्यारे बच्चे हो, सोने हो, मिठे हो।